यमुनानगर के गांव रोड छपार में बिजली के बड़े टावर लगाने को लेकर पिछले काफी समय से किसानों और प्रशासन के बीच विवाद चल रहा है। किसानों का कहना है कि वह अपने खेत में टावर नहीं लगवाने देंगे, क्योंकि ना तो सरकार की तरफ से उनको टावर लगाने का मुआवजा दिया जा रहा है और ना ही इसके बदले में कहीं जमीन, जिसको लेकर लगातार कई बार यमुनानगर प्रशासन और किसान आमने सामने भी हुए। यमुनानगर के गांव रोड छपार में एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। जब टावर लगाने वाली कंपनी पुलिस प्रशासन के साथ खेतों में पहुंची तो किसानों ने भी डटकर उनका विरोध किया और टावर लगवाने से मना करते हुए कहा कि तब तक अपने खेतों में टावर नहीं लगने देंगे जब तक उनके खेतों का मुआवजा नहीं मिल जाता। मौके पर पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूने ने कहा कि रोड छपार गांव में जो बिजली का टावर लगाने के लिए फोर्स के साथ लेकर आए थे वह बिल्कुल गलत था, जिसका किसानों ने जमकर विरोध किया। वहीं पर किसानों का कहना था कि जिला उपायुक्त ने किसानों से कहा था कि यदि टावर लगवाए जाएंगे तो उससे पहले किसानों के साथ एक मीटिंग भी की जाएगी, लेकिन डीसी साहब ने बिना मीटिंग किए टावर लगवाने का काम शुरू करवा दिया, जिसके चलते किसानों ने एकजुट होकर कड़ा विरोध किया। रोड छप्पर के अंदर जो टावर काटने के लिए आए थे और फोर्स को भेजा गया था तो ये बिल्कुल गलत था। और कई दिन पहले हमने डीसी साहब से मीटिंग की थी और डीसी साहब ने ये कहा था कि जो उन्होंने पहले फैसला किया है उस फैसले को खुद नहीं बदल सकते, उसके लिए वो कमिश्नर साहब को लिखें। तो हमने कमिश्नर साहब को लिखा और उन्होंने डीसी साहब को लिखा, लेकिन हमारे से बिना बताए, जबकि उस दिन ये बात भी हुई थी कि अगर कोई भी फैसला होगा दोबारा अगर टावर लगवाएंगे तो पहले किसान यूनियन से मीटिंग करेंगे। बिना मीटिंग किए आज फोर्स भेज दी गई, जिसका यहाँ के किसानों ने संजीव खड़े हैं, संदीप जी खड़े हैं, इन्होंने बहुत विरोध किया। ये जो है मलकीत जी खड़े हैं बड़ा के प्रधान, तो यहाँ पे बहुत से किसान इकट्ठे हुए और विरोध किया। और उसके दौरान एक जानकारी आपके लिए और दे दूँ कि इसी महीने की 14 तारीख को सेंटर से एक सर्कुलर जारी हुआ है।